उम्मीदें हकीकत बन जाती हैं, सपने सच हो जाते हैं और अटूट हो जाता है विश्वास। इसीलिए तो बीके आरोग्यम है खास। मेरा नाम सुनीता देवी है, मेरा घर है रांची। रांची से मतलब 1 घंटा लगता है और रातू स्थानीय घर है। मेरा बेटा का सबसे पहले मैं इसको बुखार हो गया था। मेरा बेटा का नाम है अनुराग राम, उम्र है 15 वर्ष। इसको बुखार हो गया था तो बस ऐसे ही घूमने आ रहे थे, गांव में घूमने आते हैं रोज। वो डॉक्टर से दिखाए थे, पूछे थे तो उन्होंने बताया कि इनका ब्लड कम है तो उन्होंने दवा दी थी 15 दिनों की दवा दी थी। उसमें भी हमको कुछ नहीं बुझा रहा है, इसका कुछ कम होने का सुलूक नहीं दिख रहा था। हम इसको रिंची ट्रस्ट हॉस्पिटल ले आए, वहाँ सब कुछ जब इसका जांच उच किया गया, ब्लड जांच हुआ, क्रिएटिनिन जांच हुआ, यूरिया जांच हुआ, तो ब्लड उस टाइम उसका 4 पॉइंट था सिर्फ। क्रिएटिनिन इसका 14 बढ़ गया था तो फिर दवा ही चलने लगा वहाँ। दवा से ही सर वहाँ बोले कि इसको डायलिसिस कराना पड़ेगा। डायलिसिस कराना था हमको, डायलिसिस नहीं कराने के चलते सर हमको फिर रेफर कर दिए रिम्स। रिम्स में हमने एडमिट करके हम अशोक कुमार वैद के पास वहाँ दिखाए। वहाँ के सर ने भी जांच किया, ब्लड जांच और क्रिएटिनिन जांच। वहाँ भी 14 ही था क्रिएटिनिन। वहाँ के डॉक्टर ने भी बोला कि डायलिसिस कराना पड़ेगा, डायलिसिस कराने के लिए एडमिट करो बोल के वहाँ बोले थे। तो हम लोग वहाँ से दवा ववा ले लिए और डायलिसिस ना कराने के चक्कर में हम वहाँ से भी घर ले गए। घर ले जाने के बाद जब वैक्सीन का दवा लगाने के लिए दिए थे, वैक्सीन हम उनको 2 वैक्सीन लगवाए, उसमें इसका शरीर पर पूरा ये कैसे बोले यानी फुंसी फोड़ा होने लगा। तो हम उसको बंद करवा दिए। बंद करवाने के बाद फिर हम उसमें ये पूरा अंग्रेजी दवा बंद करवा दिए और हम आयुर्वेदिक दवा खिलाने लगे इसको। आयुर्वेदिक दवा एक और मिला था वहाँ, तो उचड़ी का जो हम लोग का है वैद्य वो दिया था, वो दवा जब खिलाने लगे फिर धीरे धीरे पता चला कि वेस्ट बंगाल में मिलता है दवा आयुर्वेदिक दवा। तो वहाँ से भी हम मंगाए दवा, 3 महीना वो दवा खिलाए तब तक तो ठीक था। फिर जब दोबारा ले कर आए वहाँ से फिर दवा दोबारा फिर खिला रहे थे वहाँ से दवा, उसमें इसका अचानक तबीयत फिर ख़राब हो गई। आज मतलब इसका ब्लड कम हो गया और इसको बुखार भी आया। बुखार आने के बाद उसका सांस भी उखड़ गई, बहुत ज़्यादा हाँफने लगा। तो फिर हम फिर से रिंची ट्रस्ट हॉस्पिटल में फिर एडमिट किए। वहाँ फिर एडमिट किए, वहाँ जब पूरा तो 15 तारीख को एडमिट किए थे, 15, 17 दो दिन ठीक था। 17 तारीख को तो एकदम खूब एकदम मतलब कैसे बोले लत मचान होने लगा। तो 17 को शाम को ही इसको सेंट्रल लाइन लगाया गया रात को। फिर 18 को डायलिसिस हुआ, 18-19 दो दिन डायलिसिस हुआ। 18 को जब डायलिसिस हुआ तो थोड़ा इसका होश आवाज थोड़ा आया। होने के बाद एक दिन डायलिसिस कराने घर से ही ले आते थे छुट्टी कराने के बाद। यहाँ के बारे में तो मैंने अपना बहन को जब मैं बताई कि मेरा मतलब बाबू का ऐसा ऐसा है, क्रिएटिनिन बढ़ गया, तो बोली कि रिपोर्ट भेजो बोल के। तो उसको हम लोग रिपोर्ट व्हाट्सएप के द्वारा किए। तो मेरी बहन ने जब यहाँ का यूट्यूब के द्वारा यहाँ के बारे में पता कर की, फिर वहाँ हम लोग वहाँ एक डायलिसिस करा के फिर वहाँ से 20 दिन डायलिसिस कराए, 6 को डायलिसिस कराए और 6 को ही हम लोग वहाँ से यहाँ के लिए आए। या 7 को यहाँ पहुँची हम लोग। 7 को जब यहाँ सर देखे उस टाइम इसका शरीर पूरा कंकाल की तरह था, वजन भी बढ़ 3.8 मतलब 38 था इसका वजन। अभी जब यहाँ आने के बाद 10 दिन जब ट्रीटमेंट करवाए यहाँ, ट्रीटमेंट करवाने के बाद इसका शरीर भी
बहुत भर गया। और डायलिसिस भी जो सप्ताह में 3 डायलिसिस होती थी, वो सप्ताह में हमको एक भी डायलिसिस नहीं कराना पड़ा, 10 दिनों में एक भी डायलिसिस हमको कराना नहीं पड़ा। और अभी तो मेरा बच्चा भी स्वस्थ हो गया, पहले जो शरीर था, जो कंकाल शरीर था ना, उसमें पूरा मेरा बच्चा स्वस्थ हो गया। बाकी लोग को तो हम राय देना चाहते हैं कि जिसका भी कितनी प्रॉब्लम हो, हर डायलिसिस से बच के अगर बचना है तो यहीं ले, यहीं से ट्रीटमेंट कराएं। और अंग्रेजी दवा से ट्रीटमेंट नहीं है, वो ट्रीटमेंट तो है ये कि आयुर्वेदिक दवा से जो हम लोग 10 दिन में फ़ायदा मिला, तो यही कराना चाहिए, यही राय दूंगी मैं तो।